सुबह नमाज फजर का है टाइम और आप है ना देख सकते हैं कि बहुत ठंड है यहाँ पे, और आपको आपको जो है वो मेरे मुँह से जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आपको हल्का सा धुआं भी खाना फील हो रहा होगा। तो बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। और आपको हम रखेंगे साथ इंशाल्लाह हमारे कोटा और ज्यारत के टूर पर सोचते हुए दस। जी तो फाइनली हम लोग जो है वो कोटा आ गए हैं और हम लोग जो है वो कोटा के बस अड्डे पे हैं। अब इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो है वो ज्यारत जाने का है प्लान, तो फिर आपको दिखाते हैं वो सब इंशाल्लाह। जी तो हम लोग होटल में आ गए और अब हमारे सामने नाश्ता भी आ गया, तो आ जाए पहले ये करते हैं उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है वो घुमाते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं गेस्ट हाउस में, कोटा के बाद हम आए ज्यारत और ज्यारत के हम गेस्ट हाउस में पहुँच चुके हैं। अब यहाँ थोड़ी देर आराम के बाद हम जो है वो ज्यारत के विजिट पर निकलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ का व्यू है, यहाँ पे शाम में इंशाल्लाह हम आपको चाय पी के भी दिखाएंगे शाम का व्यू वो कैसे आप देख सकते हैं, बहुत पहाड़ है और सब कुछ अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, हम हैं कायदे आज़म डेंसी पर और आप ये देख सकते हैं ये वो घर था जहाँ पे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहा करते थे अपने इंतकाल से पहले, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देख रहे हैं ये वाइट वाइट निशान जो है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कल जो है बर्फ़बारी भी हुई है, तो आएँ चल के देखते हैं। उन्होंने कहा है कि शूज़ वगैरह उतारने, बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं। जी तो ये है वो रूम जहाँ पे कायदे आज़म आराम से बैठते थे और यहाँ देखिए यहाँ आराम से बैठते थे, और पीछे का व्यू जो है वो किया करते थे एंजॉय, बहुत ही खूबसूरत है। और जो भी यहाँ पे आए कायदे आज़म जो है वो ऊपर चल के देखते हैं कि कायदे आज़म रेजिडेंसी में जो है वो ऊपर क्या है। तो हम जो है वो स्टेयर्स पे हैं और आए आपको आगे जो है देखेंगे, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं चूँकि ये घूमने का वो है भी, बहुत ही खूबसूरत व्यू आने वाला है। जहाँ पे जो है हम समझते हैं कि कायदे आज़म आराम से खड़े होते होंगे, चाय को एंजॉय किया जाता होगा, बहुत ही खूबसूरत। ये है वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे खाते थे कायदे आज़म हमारे लिए, तो हम भी थोड़ा बैठ के देखते हैं। डाइनिंग हमारे सब चुकी है, बंदी हुई है, सही अच्छा माशाल्लाह। जी तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी जो है वो ज्यारत पे हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। आपको मैं थोड़ी उठा के जो है वो दिखाता भी हूँ, ये आप देखें ये सारी जो है बर्फ़बारी है और बहुत ही अच्छा मौसम है। आप सब ज़रूर आएँ, हमें सांस लेने में भी थोड़ी यहाँ पर मुश्किल हो रही है, आप देखें हर तरफ जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है और बहुत खूबसूरत मौसम है। आप सब ज़रूर आएँ, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी जो है वो ज़ीरो पॉइंट पे हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है जगह। मैं आपको ये जो है वो पीछे से दिखाऊं, ये देखें हज़ारों फीट जो है वो नीचे का मंज़र, बर्फ़ भी है थोड़ी आपको दिख रही होगी और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये ज़ीरो पॉइंट का, ठीक है। ये देखें इस तरफ जो है वो पहाड़ ही पहाड़ हैं और इस तरफ जो है वो बहुत मौसम है। और अगर आपको पहाड़ के ऊपर मे बी आई गेस मेरा कैमरा वो दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा कि कुछ बर्फ़ भी है,
तो ये सारा सिलसिला है। सांस हमारी फूल रही है क्योंकि जो है आप जानते हैं कि ऊपर जो है वो कम हो जाते हैं। एक और सबसे अहम चीज़ मैं आपको भाग कर दिखाऊँ कि वो अल्लाह का नाम जो लोग देखने के लिए आते हैं, आप देखें कि ये है, ये वो अल्लाह का नाम है। बहुत पुराना ये पहाड़ है, हज़ारों साल पुराना, और ये आप देखें बाकायदा अल्लाह का नाम जो है वो लिखा हुआ है। और इसके ऊपर भी जो है वो आप देखें, मेरा कैमरा दिखा रहा है कि अल्लाह का नाम लिखा हुआ, ठीक है। तो होप यू गाइज आर इन्जॉइंग इन। अगर आप इन्जॉय करें तो प्लीज़ भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत शुक्रिया जी। अब हम जो है वो जा रहे हैं पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, चूँकि ये पहाड़ है तो सांस फूल रहा है हमारा, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ आपको। और हम पहुँचने वाले जीरो पॉइंट का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है वहाँ तक।